हमारे दर्शकों को बिग बॉल दिखाइए वेरी क्विकली, वेरी तेजी, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से दिखाइए। ये यहां पर अमेरिका, रूस, फ्रांस और आर्मेनिया, अजरबैजान पर बैठक, क्या करेंगे अमेरिका, रूस और फ्रांस, बड़ी खबर। नेक्स्ट चेंज ओवर करें बहुत क्विकली, और क्योंकि इस वॉल ग्राफिक्स को मैं दिखाऊंगा, रूस, अमेरिका और फ्रांस बना सकते हैं संघर्ष विराम का दबाव। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। रूस, अमेरिका, आर्मेनिया, अजरबैजान की बातचीत के लिए मजबूर किया जा सकता है, ये ऑलरेडी किया जा रहा है। हालात नहीं सुधरे तो तीन देशों में जो है वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगा इस वॉल को तुरंत विजुअल्स के साथ प्ले ऑन करें और मैं अशोक सर के पास जाऊंगा। अशोक सर, एक तरफ तीन बड़े देशों की बैठक, दूसरी तरफ बैठक अजरबैजान और आर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर, क्या आपको आज ब्रेक थ्रू दिखाई देता है? देखिए, मुझे ब्रेक थ्रू दिखाई देता है अगर ये जो दो विदेश मंत्री हैं और ये रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात हो, वहां पर कुछ पॉसिबिलिटी है। जो तीन जो देश हैं, आप रूस और अमेरिका और फ्रांस की बात कर रहे हैं, देखिए ये पहली मर्तबा नहीं है जो उनकी बातचीत होगी, पहले भी मुलाकात वो कर चुके हैं। मेरे विचार से जब 27 तारीख को ये शुरुआत की थी अजरबैजान ने, तो उसके तीन चार दिन बाद ये तीनों देशों की मुलाकात हुई, उन्होंने अपील किया, उसके बाद रूस और फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपील की, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो मेरे विचार से इन तीनों देशों का वहाँ पर अपील वो करते जाएंगे, वो वाकई में ऑन द ग्राउंड कोई प्रेशर, कोई दबाव वो डालने में समर्थ नहीं है। सर, आप जो बता रहे हैं, अशोक सर, प्लीज, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं देने जा रहा हूँ अपने दर्शकों को। तुर्की जो है वो इस पूरे मामले में, तुर्की जो भारत के खिलाफ बोलता रहा है, कश्मीर का एजेंडा अभी अभी उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फिर से चालू कर दिया, वो इसमें गेम स्पॉइलर है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के, क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी।